Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our online coaching classes at the platform of Shah Rukh Nalam College of Health Sciences, Multan. I'm Maya Naseem, and today our topic of discussion is food-borne diseases. Previous lecture mein jo hai humne water-borne diseases padha tha, hum jo sab main topic discuss kar rahe hain wo hai निजाम-ए-निजाम की बीमारियां. ठीक है, निजाम-ए-निजाम की बीमारियां दो तरह की होती हैं, पानी से और खुराक से पैदा होने वाली, आलूदा पानी और आलूदा खुराक से जो पैदा होती है. ठीक है, जो आलूदा पानी से पैदा होती है उन्हें हम कहते हैं वाटर बॉर्न डिजीजेस, और जो खुराक से पैदा होती है उन्हें हम कहते हैं फूड बॉर्न डिजीजेस. ठीक है, आज का टॉपिक जो है वो हमारा है फूड बॉर्न डिजीजेस, ऐसी तमाम बीमारियां जो कि आलूदा खाना, आलूदा खुराक, ऐसी खुराक जो कि आलूदा पानी में पकी हुई हो. ठीक है, जो उगाते वक्त आलूदा पानी जिसमें इस्तेमाल किया गया हो, ऐसी जिसको या पकाते वक्त सफाई का ख्याल ना रखा हो. ठीक है, या जिसको स्टोर किया जाता है, स्टोरेज में लेके काफी अर्से तक महफूज करके रखा हो और उसको काफी अर्से बाद इस्तेमाल किया जाए, ऐसी खुराक जिसमें जरासीम पैदा हो चुके होते हैं आलूदा खुराक कहलाती है. ठीक है, इसको खाने से जो बीमारियां होती है उनको हम फूड बॉर्न डिजीजेस कहते हैं, या हम कहते हैं डिजीज कॉज बाय कंटेमिनेटेड फूड. कंटेमिनेटेड का मतलब होता है आलूदा. ठीक है, ऐसी खुराक जो आलूदा हो चुकी है उसके खाने से जो बीमारियां पैदा होती हैं उन्हें हम फूड बॉर्न डिजीजेस कहते हैं. सबसे आम जो होती है इसमें एग्जांपल है फूड पॉइजनिंग की. आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि मैंने रात में ये खाया था तो मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई है. उसमें बेसिकली क्या होता है, जब आलूदा खुराक इंसान के जिस्म के अंदर जाती है तो जरासीम जो होते हैं वो इंसान को बीमार कर देते हैं. ठीक है, और उससे क्या होता है, पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, उल्टी आती है और मरोड़ जैसे कहते हैं कि खिंचाव फील होता है जिसे हम क्रैम्प्स कहते हैं. ठीक है, क्रैम्प्स पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और शदीद किस्म का जो है वो वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, डायरिया स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, ये सारी की सारी फूड पॉइजनिंग की जो होती है वो अलामतें होती हैं, और इसका भी एंड रिजल्ट डिहाइड्रेशन होता है अगर जो है इसको प्रॉपरली ट्रीट ना किया जाए. लेकिन फूड पॉइजनिंग में ये है कि अगर कोई भी इंसान कोई आलूदा खुराक खाता है तो तकरीबन 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर जो है वो फूड पॉइजनिंग जो होती है वो शुरू हो जाती है. वाटर बॉर्न डिजीजेस का ये होता है कि पानी के जरिए जो हम डिजीजेस होती हैं उसका हम अंदाजा नहीं कर सकते कि इंसान ने आलूदा पानी कब किया होगा या कितने अर्से से वो पी रहा है जिसकी वजह से बीमारी हुई है. ठीक है, जैसे हेपेटाइटिस का है. लेकिन जो खुराक होती है, अगर उसके आलूदा खुराक से अगर वाटर ये फूड बॉर्न डिजीजेस होती हैं तो 24 घंटे के से लेकर 48 घंटे के अंदर इसका रिजल्ट शो हो जाता है. ठीक है, फूड पॉइजनिंग की शक्ल में. तो यूजुअली ये होता है कि बैक्टीरियाज की वजह से होती है और वायरसेस की वजह से होती है, पैरासाइट्स जो प्रोटोजोआ होते हैं जो खुराक के दरमियान में जो मौजूद होते हैं उनकी वजह से बीमारियां पैदा होती हैं. ठीक है, दूसरी वजह यह है कि खुराक को जब उगाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल सब्जियां या फसलें उगाई जाती हैं तो उनके ऊपर जो है वो कीड़े मार अद्वियात का स्प्रे वगैरह किया जाता है, तो ऐसी खुराक जिसको इस्तेमाल बनाने से पहले, पकाने से पहले सही से वॉश नहीं किया जाता, सही धोया नहीं जाता. ठीक है, बस थोड़ा सा पानी डाल लिया तो पका लिया, ऐसी जो खुराक होती है वो भी जो है फूड बॉर्न डिजीजेस काज कर सकती है, फूड पॉइजनिंग जिसे हम कहते हैं. ठीक है, इसलिए कहते हैं कि खुराक को जब भी पकाया जाए, कोई भी सब्जी या फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो या कोई फल आप लोग खा रहे हैं कुछ भी, तो उसको अच्छे से वॉश किया जाए उसकी सरफेस को, सतह को. ठीक है, ताकि अगर कोई ऐसा केमिकल स्प्रे किया गया जो उसको कीड़े मकोड़ों दूसरे हार्मफुल जो थे इंसान उनसे बचाने के लिए, तो वो है रिमूव हो जाए और इंसान जिसम में जाके जो है वो मजीद बीमारियां ना कर सके. ठीक है, और फूड पॉइजनिंग में बेसिकली एज सच इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है. हम वोमिटिंग रोकने के लिए इनका अलामती जो होता है वो देते हैं. ठीक है, और वोमिटिंग को रोकने के लिए दे देते हैं, और वही डिहाइड्रेशन को रिकवर करने के लिए जो है आप वाटर इनटेक ज्यादा कर रहे हैं, ORS पिए, इस तरह की जो होती है मैनेजमेंट यही होता है. ये यूजुअली खुद ही ट्रीट हो जाता है, बहुत कम ऐसी केसेस होते हैं कि फूड पॉइजनिंग जो होती है वो जानलेवा साबित हो. ठीक है, डायरिया जो होता है वो जानलेवा साबित हो सकता है, लेकिन फूड पॉइजनिंग के केस में ये खुद ही रिकवर हो जाता है मोस्टली, क्योंकि जब वो गिजा बॉडी से निकल जाती है तो फिर जो है वो जब वो है ही नहीं, कॉज ही नहीं रहा. लेकिन ये है कि बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये ठीक हो जाता है. बट आपको इसमें केयर ये करनी होती है कि आपको जो
अलामतें आ रही हैं या फिर कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं जैसे कि डिहाइड्रेशन हो गई है, तो आपने अपने वाटर इंटेक सही रखना है, ठीक है, नमकियात का जो है ORS वाला इंटेक करना है ताकि आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन की वजह से कोई फर्दर नुकसान ना हो और ऐसा कोई बड़े नुकसान से इंसान करते। देख लेते हैं इसको एक नजर। आलूदा खुराक से पैदा होने वाली बीमारियां, डिजीजेस कॉज बाय कंटेमिनेटेड फूड। कंटेमिनेट का मतलब होता है आलूदा, आलूदा गजा से पैदा होने वाली बीमारियां, ये वो बीमारियां होती हैं जो कि आलूदा खुराक या मशरूबात इस्तेमाल करने से होती हैं। 250 से भी ज्यादा मुख्तलिफ किस्म की फूड पॉइजन, फूड बॉर्न डिजीजेस देखने में आती हैं, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जो कि आलूदा खुराक को खाने या आलूदा मशरूबात इस्तेमाल करने से होती हैं, उनको हम वो जो है वाटर बॉर्न डिजीजेस को पैदा करती हैं। मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पैदा करने वाले जरासीम, बैक्टीरिया, वायरसेस और पैरासाइट्स खुराक को आलूदा करते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म के जरासीम जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस और पैरासाइट्स खुराक को आलूदा करते हैं। पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स मैंने आपको बताया था, वो छोटे जानदार या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हम आंख से नहीं दिखते लेकिन जो अपनी जिंदगी के लिए किसी दूसरे के ऊपर गुजारा करते हैं, ठीक है, दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, दूसरे के बगैर इनकी जिंदगी जो है नामुमकिन होती है। तो ये उनको फायदा भी दे सकते हैं, नुकसान भी दे सकते हैं, और कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि ना उनको ये फायदा दे रहे होते हैं ना नुकसान, लेकिन रहते उन्हीं के साथ हैं, ठीक है। असल में ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अपने इन्होंने अपनी ग्रोथ करनी होती है, ठीक है, इनकी ग्रोथ किसी दूसरे के अंदर जाके ही होती है, उनको हम पैरासाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इनके अलावा जो है, अब एक कास्ट तो हो गया जरासीम, सेकंड जो होते हैं वो केमिकल्स आते हैं, ठीक है। इनके अलावा जहरीले कीमियाई मादे, इनके केमिकल्स और बहुत से दूसरे नुकसानदेह मादे अगर खुराक में मौजूद हो तो वो भी फूड बॉर्न बीमारियों का बायस बन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जहरीले कीमियाई मादे हो गए और इसके अलावा जो बहुत से नुकसानदेह केमिकल होते हैं अगर वो भी मौजूद हो तो भी फूड बॉर्न डिजीजेस का बायस बन सकते हैं, ठीक है। जहरीले कीमियाई मादे कहाँ से आते हैं? एक तो ये जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि फसलों की जब ग्रोथ हो रही होती है तो उसके दौरान जो है इनको जो है कीड़े मार या जो मुख्तलिफ किस्म के इंसेक्ट्स होते हैं हशरात, उनसे बचाने के लिए स्प्रे किया जाता है, ठीक है। एक तो वो हो गए, और दूसरी दफा बास दफा ऐसा होता है कि हम कुकिंग के लिए घरों में जो है वो कुछ ऐसे बर्तन इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो कि कार्सिनोजेनिक हो सकते हैं, ठीक है, जो कि काफी अर्से पुराने होते हैं जिसकी वजह से उनमें से धाते हमारा जो है वो लीच, लीचिंग का एक प्रोसेस होता है। लीच का मतलब होता है कि शामिल करना, ठीक है, निकाल देना। तो उसमें क्या होता है कि पुराना जब इस्तेमाल कर करके बर्तन हो जाता है तो अपनी धातें जो है वो खारिज करने लगता है, ठीक है, जो कि खाने के साथ मिलती हैं और जो ये आपको बीमार कर सकती हैं। लेकिन ये इस तरह का जो लीचिंग का प्रोसेस है इससे बेसिकली ज्यादातर कैंसर होता है, ठीक है। तो लेकिन जो कीमियाई मादे हैं ना, ठीक है, जैसे ये हमारे सब्जियों पे डालने के लिए जो उनको हशरात से और दूसरे ये सूंडी वगैरह से बचाने के लिए इस्तेमाल होते हैं वो है वो फूड बॉर्न डिजीजेस या ये फूड पॉइजनिंग वगैरह कॉज करते हैं। नेक्स्ट है, मिसाल के तौर पे अगर आप अगर नादानिस्ता तौर पे कीड़े मार दवाई खुराक में मिल जाए, नादानिस्ता का मतलब होता है अनइंटेंशनली, ना जाने में, यानी कि पता ना हो, जानबूझ के ना किया गया हो, ठीक है, उसे नादानिस्ता कहते हैं। के तौर पे कीड़े मार दवाई खुराक में मिल जाती है, कुदरती तौर पे पाया जाने वाला जहरीला मादा, जैसे कि जहरीली खुम्बी से खाना बनाया जाए तो खाने वाले लोग बीमार हो सकते हैं, ठीक है। खुम्बी जो होती है वो फंजाई होती है, एक ये भी इसको खाया भी जाता है, ठीक है। डिफरेंट तरह की होती है, कुछ जहरीली होती हैं जिन्हें डेथ कैप कहा जाता है या मौत का फरिश्ता कहा जाता है, इतनी जहरीली होती है कि इंसान की खाते ही जो है इससे डेथ हो जाती है। आप लोगों ने शायद देखा कि कहीं से आप गुजर रहे हो तो गंदगी के ढेर पे या ऐसी नमदार जगह पे छोटी छोटी जिस तरह की ये छतरी तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं, जैसे छतरियां होती हैं ना, इस तरह की छोटे छोटे उगे हुए होते हैं, ठीक है, खाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जो बाहर के मालिक होते हैं बहुत लोग शौक से खाते हैं, उसमें तो बकायदा टेस्ट किया जाता है कि कौन सी खुम्बी जो है वो जहरीली है, कोई कौन सी है वो जहरीली नहीं है, ठीक है। इतनी जहरीली होती है कि इंसान की डेथ भी हो सकती है कुछ इनमें से, कुछ ऐसी होती है कि इंसान को खाते रिएक्शन हो जाता है हाइपर सेंसिटिविटी, जिसकी वजह से एलर्जी वगैरह या स्किन रैशेस वगैरह ऐसे हो जाते हैं। इस वजह से केयर करनी चाहिए कुछ भी खाने से पहले। फूड बॉर्न की आम बीमारी को फूड पॉइजनिंग कहते हैं, ठीक है। आमतौर पे इसकी कौन सी है? फूड पॉइजनिंग। हालांकि इसकी वजह जहर नहीं है, पॉइजन का मतलब क्या होता है? जहर, ठीक है। लेकिन वो कह रहे हैं कि इसकी वजह जहर नहीं है,
खुराक स्टोरेज, हैंडलिंग और तैयारी के दौरान आलूदा हो सकती है। स्टोरेज का मतलब आप लोगों ने गोश्त हो गया जैसे, ठीक है, कई लोग ऐसे करते हैं उसको काफी अर्से के लिए स्टोर कर लेते हैं फ्रीजर में, बहुत सारी चीजें अक्सर लोग स्टोर कर लेते हैं कि चलो फिर खाएंगे या नेक्स्ट सीजन में इस तरह से, ठीक है। तो स्टोरेज के दौरान भी स्पेशली जो गोश्त होता है, ठीक है, उसमें स्टोरेज के दौरान भी जो है वो कीड़े या ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो इंसान को इसलिए कहते हैं कि फ्रेश फूड खानी चाहिए आपको, ताजा बनाए, ताजा खाएं, थोड़ा बना लें लेकिन उसी वक्त बनाएं और एट मैक्सिमम उसी दिन खाएं, नेक्स्ट डे के लिए इतना ज्यादा ना रखें कि आप उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो जाए। स्पेशली जो मीट होता है, गोश्त होता है, इस केस में तो बहुत एहतियात करनी चाहिए। हैंडलिंग यानी कि और हैंडलिंग कैरी करना, जैसे ये फसलों के, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना वो हो गया, और तैयार करने के दौरान, ठीक है, तैयार करने के दौरान ये कि सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता, हैंड वॉश नहीं किए हुए जो कि फीमेल्स बना रही हैं या जैसे होटल्स में अक्सर होता है, सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता, तो उसके दौरान भी जो है वो फूड पॉइजनिंग या जो चीजें इसमें इस्तेमाल होती हैं उनको वॉश नहीं किया जाता, ऐसे ही इस्तेमाल करके डाल दिया जाता है, या बर्तन जो इस्तेमाल हो रहे होते हैं इसकी कुकिंग के दौरान उसको जो है सही से वॉश नहीं किया जा रहा होता, धोया धोया नहीं जा रहा होता, तो ये सारी चीजें जो है फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं। खुराक की तैयारी से पहले और दौरान में, ठीक है, इस खुराक की तैयारी से पहले, दौरान और बाद में हफ्जाने सेहत के असूलों पर अमल करके बीमार होने के इम्कान को कम किया जा सकता है, ठीक है। वही बात आ गई कि आप अगर खाना बनाने से पहले जो है उसे अच्छी तरह वॉश करें, अगर सब्जियां, ठीक है, गोश्त या ये सब्जियां, तो उनको अच्छे से वॉश कर लें, धो लें, ठीक है। और फिर पकाने के दौरान बर्तन अच्छे से धुले हुए होने चाहिए, ठीक है, मक्खियां वगैरह इस तरह की कोई चीज ना हो करीब, और जितनी भी है हैंड वॉश करके अच्छे से फिर उसको बनाना चाहिए। नेक्स्ट है, और ज्यादा अरसे के लिए फ्रीज नहीं करना चाहिए खाने को, ठीक है। फूड बॉर्न डिजीजेस मौत और बीमारी की एक बड़ी वजह है, खास तौर पे शीरखवार बच्चे और बूढ़े लोगों को ज्यादा खतरा होता है। उसकी रीजन क्या होती है कि उनकी इम्यूनिटी जो होती है यानी उनका मुदाफती निजाम जो होता है बच्चों का, जो छोटे बच्चे होते हैं बिल्कुल छोटे से, ठीक है, शीरखवार कहते हैं इतने छोटे जो कि दूध सिर्फ दूध पीते हैं उन बच्चों को शीरखवार बच्चे कहते हैं, और बूढ़े लोगों को ज्यादा खतरा होता है। क्यों? उनकी इम्यूनिटी कम होती है, जरासीम ज्यादा अटैक कर सकते हैं और रिकवर नहीं करते, डिहाइड्रेशन के नतीजे में उनकी जो है फिर डेथ हो सकती है, उनमें जो है वो डेथ का ज्यादा अंदेशा होता है फूड बॉर्न डिजीजेस या फूड पॉइजनिंग के जरिए। फूड बॉर्न मुख्तलिफ बीमारियों की मुख्तलिफ अलामत होती है, ठीक है, मुख्तलिफ अलामत हो सकती है इनकी, चूंकि जरासीम या जहर आमतौर पर जिस्म में इंतजाम के जरिए दाखिल होता है, ठीक है, डाइजेशन के जरिए जो हम खाते हैं इंजेशन का बताया था, ठीक है, ऐसी जो भी चीज जो हम मुंह के जरिए लेते हैं उसको इंजेक्शन कहते हैं। तो शुरू में मछली, मछली क्या होती है, नौजिया जिसे कहते हैं, ठीक है, यानी कि उल्टी की फीलिंग आती है, उल्टी आना महसूस होता है लेकिन उल्टी आती नहीं है, ठीक है, उल्टी जिसे हम क्या कहते हैं, पेट दर्द और दस्त आम अलामत होती है, दस्त मतलब इस वाले डायरिया जिसे हम कहते हैं वो इसकी आराम अलामत होती है। आलूदा खुराक खाने और अलामत जाहिर होने में कुछ वक्त लग जाता है, इसमें कई घंटे कई दिन लग सकते हैं, मोस्टली जो है 24 से 48 आवर्स तक, यानी कि 1 से 2 दिन जो होते हैं वो मैक्सिमम लग सकते हैं, ऐसा ज्यादा जो होती है कि अगर आपको फूड पॉइजनिंग नहीं हो सकती, ठीक है, मैक्सिमम जो 48 घंटे या जैसे 2 दिन कहते हैं उसमें आप लोगों को जो है वो हो जाएगी अगर आपको होनी हुई, मतलब ये होता है कि आपने 1 या 2 दिन पहले कोई खाना खाया होगा जिसकी वजह से आलूदा होने की वजह से आप बीमार हो गए। इस देर लगने का इंतजार जरासीम की किस्म और इनकी तादाद पर होता है। इस वक्त में जरासीम मेदे से गुजर के आंतों में चले जाते हैं और वहां पे हमला करते हैं। कुछ जरासीम टॉक्सिन, टॉक्सिन कहते हैं पॉइजन को, यानी कि खतरनाक जो है मटेरियल या केमिकल पैदा करते हैं जो खून में जज्ब होकर टिश्यूज पर भी हमला कर सकते हैं। आगे इन्होंने काजेज दी हुई है कि कौन कौन से काजेज होती हैं, ठीक है, फूड बॉर्न इन्फेक्शन आमतौर पर बैक्टीरिया, कैम्पाइलो बैक्टीरिया जिसे कहते हैं, ठीक है, साल्मोनेला, ये भी बैक्टीरिया का नाम है, इकोलाई, तीनों बैक्टीरिया एंड वायरसेस का ग्रुप है नॉरवॉक वायरसेस, उनकी वजह से होते हैं, ठीक है, बेसिकली जो होती है फूड पॉइजनिंग वो बैक्टीरिया की वजह से हो रही होती है। डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया वायरसेस जो होते हैं फूड पॉइजनिंग काज कर रहे होते हैं, कैम्पाइलो बैक्टर, इकोलाई, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं जो कि हैजा और इस तरह जो ये डायरिया टाइप की कंडीशन जो है खास करते हैं। नेक्स्ट है, कैम्पाइलोबैक्टर दुनिया में डायरियल बीमारियों की सबसे बड़ी वजह है,
ये बैक्टीरिया सेहतमंद परिंदों की आंतों में पाया जाता है, कच्चे अंडों में भी होता है। ठीक है, सेहतमंद जैसे कबूतर हो गया, इस तरह के अक्सर लोग घरों में कबूतर वगैरह पालते हैं, ठीक है, तो उनकी आंतों में या कच्चे अंडे जो होते हैं उनमें पाया जाता है। नीम पका हुआ मुर्गी का गोश्त खाने से इन्फेक्शन हो सकता है डायरिया का। ठीक है, अगर ठीक से गोश्त नहीं पका, उसकी क्या वजह होती है कि आंतों और उसमें मौजूद होता है, जब सही पका नहीं होता तो जरासीम जो है वो सही से मरते नहीं है, इसकी वजह से वो इंसान के जिस्म में जाके बीमारी कर सकते हैं। इस वजह से कहते हैं कि खुराक को मुनासिब हीट पर पकाना चाहिए ताकि उसमें मौजूद जरासीम है वो भी किल हो जाए। ठीक है, जैसे दर्जा हरारत बढ़ता है इनकी डेथ हो जाती होती है। सालमोनेला मुख्तलिफ किस्म के हैवानी खुराक खाने से जिस्म में फैल सकता है। सालमोनेला जो होता है एक बैक्टीरिया होता है जो कि क्या करता है, टाइफाइड खास करता है। ठीक है, टाइफाइड भी आलूदा खुराक और आलूदा पानी की वजह से होता है। सालमोनेला टाइफाइड का नाम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था हमने। ठीक है, नाकिस यानी के नुकसानदेह जो होते हैं कमजोर। ठीक है, सेहत वाले लोगों में ये खून में शामिल हो जाता है और खतरनाक भी साबित हो सकता है। नेक्स्ट है इकोलाई के बारे में। इकोलाई जो होता है ये भी बैक्टीरिया होता है, मवेशियों यानी कि जानवरों में पाया जाता है। जानवरों के गोबर से अभी खुराक से भी आलूदा खुराक खाने से इंसान बीमार हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऐसी एरिया जहाँ पे जानवर बंधे हुए हैं तो हवा के जरिए जो है पार्टिकल्स उड़ के डस्ट के जरिए वो शामिल हो सकते हैं। इसलिए सिर्फ खुराक बनाने खाने और उसको तैयार करने में नहीं बल्कि इर्द गिर्द जगह भी ऐसी होनी चाहिए जो साफ सुथरी हो ताकि हवा के जरिए जो है वो आलूदगी खुराक में शामिल ना हो। नॉर्मल वायरसेस फूड बॉर्न डिजीज की आम वजह है। ये जानवरों से इंसानों को नहीं लगती बल्कि ये बीमार इंसान से सेहतमंद इंसान को लग जाती है। ठीक है, जो वायरल डिजीजेस होती है इन्फेक्शन होती है ये जानवर से इंसान को तो नहीं लगती, लेकिन एक बंदा बीमार होता है अगर दूसरा उसके छींकने खांसने या टच करने से जो होता है वायरल डिजीजेस ये ऐसे फैल जाती है। ठीक है, इसलिए जो वायरल डिजीज का शिकार होते हैं तो उन्हें चाहिए अपने हाथ जो है अच्छे से वॉश करें और मुंह को ढांक के रखें ताकि आगे ना फैले। इसके अलावा कुछ फूड बॉर्न बीमारियां इस जहर से होती हैं जो कि बैक्टीरिया खारिज करते हैं, जिसमें में जाके बैक्टीरिया कुछ केमिकल खारिज करते हैं जिसकी वजह से इंसान बीमार हो जाता है जब इसकी नशोनुमा हो रही होती है। जरासीम के मर जाने के बाद भी ये जहर बीमारी पैदा कर सकता है। मिसाल के तौर पर स्टेफलोकोकस आरआई एक ऐसा जहर पैदा करता है जो शदीद किस्म की उल्टी का सबब बनता है। ठीक है, ये सारे का सारा ब्रीफ सा बताया हुआ है कि क्या क्या होता है इसमें। ठीक है, क्या होता है खुराक, आलूदा खुराक क्या होती है, ठीक है, कैसे होता है, इसमें कोई सच मुश्किल बात नहीं थी आज के टॉपिक में आप लोगों के लिए। और इसकी मैनेजमेंट, इसकी पेचीदगियां क्या होती हैं वो हम कल पढ़ेंगे। डिहाइड्रेशन, ठीक है, डिहाइड्रेशन जो होती है वो उसकी पेचीदगी होती है और बेसिकली मैनेज बचाव कैसे कर सकते हैं हम जो है आलूदा खुराक। इसमें यही कि खुराक को हमेशा धो के इस्तेमाल करें, सब्जियां धो के इस्तेमाल करें, साफ सुथरी करें और पकाते वक्त सफाई का खास ख्याल रखें, अफसाने सेहत के असूलों के मुताबिक खुराक को पकाएं। ठीक है, और मैनेजमेंट कैसी होती है इसकी पेचीदगियों की, डिहाइड्रेशन इसकी बेसिकली पेचीदगी होती है। ठीक है, डिहाइड्रेशन जब फूड पॉइजनिंग हो जाती है तो डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो उसको आपने कैसे मैनेजमेंट करनी होती है, ORS हो गया ये इस तरह की पानी का और जो दूसरे इलेक्ट्रोलाइट है उनका ज्यादा इंटेक। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।